हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंडिया का जो टोटल 29 स्टेट और 7 इंडियन यूनियन टेरिटोरीज जो है उसके उसका जो गवर्नर है उसके बारे बताने वाले हैं। तो देखिए, अभी एक्चुअली अगस्त में अपडेटेड हुआ है करंट गवर्नर। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हन, जिनका पूरा नाम है इक्कादु श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश का है ईएसएल नरसिम्हन, आपको यहाँ साइड में पीक भी दिख रहा होगा। देखिए, इक्कादु श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन कहाँ के है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के है बी डी मिश्रा, जिनका नाम है ब्रिगेडियर मिश्रा। नेक्स्ट है आसाम। आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर। नेक्स्ट बिहार। बिहार के कौन बने हैं? लालजी टंडन जो है बिहार के बने हैं। और आनंदीबेन पटेल जो है छत्तीसगढ़ में जो बलराम दास टंडन थे, तो उनका अभी अभी उनका देहांत हो गया है। तो अभी आनंदीबेन पटेल जो है वो एडिशनल चार्ज में है। छत्तीसगढ़ का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है गोवा। गोवा की गवर्नर है मृदुला सिन्हा। कहाँ की है? गोवा के गवर्नर। नेक्स्ट है गुजरात। ओ पी कोहली, ओम प्रकाश कोहली। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा का कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्यम। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। आचार्य देव विराट हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? आचार्य देव विराट। और जम्मू एंड कश्मीर के कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक। अभी इससे पहले सत्यपाल मलिक कहाँ के थे? बिहार के थे। अभी जम्मू एंड कश्मीर में शिफ्ट हो गया। अब देखिए झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कर्नाटका के गवर्नर है बाजुभाई वाला। नेक्स्ट है केरला के गवर्नर है पी सदाशिवम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के गवर्नर जो थे आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का कौन है? सी विद्यासागर राव, जिनका पूरा नाम है चिन्ना मनेनी विद्यासागर राव। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपका एग्जाम में रहेगा ही आपका ऑप्शन, तो सी बी राव देख के टिक दे दीजिएगा। मणिपुर का गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। देखिए यहाँ पीक में भी दिख रहा है नजमा हेपतुल्ला जी खड़े हैं। नेक्स्ट मेघालय के कौन है? तथागत रॉय जी कहाँ के हैं? मेघालय। नेक्स्ट है मिजोरम का कौन है? कुम्मनम रजशेखरन। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आर की जगह ई होगा, ठीक है, कुम्मनम रजशेखरन। नेक्स्ट है नागालैंड का कौन बने हैं? नागालैंड का अभी है पी बी आचार्य, जिनका पूरा नाम है पद्मनामा बलकृष्णन आचार्य, PADMANABH, पद्मनामा बलकृष्णन आचार्य। नेक्स्ट है ओडिशा के गवर्नर जो थे वही है गणेशी लाल जी।
देखिए कैसे नमस्ते कर रहे हैं। नेक्स्ट है केरला। केरला के गवर्नर है पी सदाशिवम। और जम्मू एंड कश्मीर के कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक। अभी इससे पहले सत्यपाल मलिक कहाँ के थे? बिहार के थे। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। अब है नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नर कौन बने हैं? बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना का गवर्नर है ई एस एल नरसिम्हन। ई एस एल नरसिम्हन जिनका फुल फॉर्म है इकादु श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन। ये और कहाँ के बताए? आंध्र प्रदेश के भी है गवर्नर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट यूपी। उत्तर प्रदेश का गवर्नर है राम नायक। नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन बने हैं? बेबी रानी मौर्या। बेबी रानी मौर्या। और वेस्ट बंगाल के कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी जी। केसरीनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिए 29 स्टेट के बारे बोल दिए। अभी यूनियन टेरिटरीज जो है वो सात दो है। सात दो यूनियन टेरिटरीज है। तो कौन सा है? चंडीगढ़ और है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दिल्ली। यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो चंडीगढ़ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनर, जो कि पंजाब के भी गवर्नर है, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, जो पंजाब के गवर्नर है वो आपका चंडीगढ़ का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वीपी सिंह बदनर, जिनका फुल फॉर्म है विजेंद्र पाल सिंह बदनर, जिनका पूरा नाम विजेंद्र पाल सिंह बदनर। नेक्स्ट है दादरा एंड नगर हवेली। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इनका नाम है प्रफुल्ल प्रफुल्ल खोड़ा पैटिल। प्रफुल्ल खोड़ा पैटिल। नेक्स्ट है दमन एंड दीव। इनका भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ का भी दमन एंड दीव का भी गवर्नर कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पैटिल। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर लक्षद्वीप का कौन है? ये भी एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अब इनका नाम है फारूक खान, जो कि फॉर्मर आईपीएस है। आपको पीठ में दिख रहा है, देख के समझ गए होंगे आप। ये कहाँ के आईपीएस रह चुके हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। और ये बीजेपी के फॉर्मर मेंबर भी थे। इनका नाम क्या है? फारूक खान। लक्षद्वीप का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? फारूक खान। नेक्स्ट है डॉक्टर किरण बेदी। इनको तो हम सब जानते हैं, जो पुदुचेरी के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये आपका रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, और सोशल एक्टिविस्ट भी है, फॉर्मर टेनिस प्लेयर भी है। इनको तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कहाँ के गवर्नर है? लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी की है। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है डॉक्टर किरण बेदी। नेक्स्ट क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमायरल डीके जोशी। एडमायरल डीके जोशी कहाँ के हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं। इनका पूरा नाम है देवेंद्र कुमार जोशी, डीके जोशी। फुल फॉर्म क्या है? देवेंद्र कुमार जोशी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? अनिल बैजल। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो
तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे जीके और सारा स्टैटिक फैक्ट्स। थैंक यू।